सिल्क ब्यूटी स्मूथ स्किन हेयर रिमूवल फेशियल वैक्स स्ट्रिप्स फॉर नॉर्मल स्किन है. फॉर नॉर्मल स्किन का मतलब ये है कि इसको एलर्जिक वाले पर्सन जो है इसको यूज़ ना करें. फॉर फीमेल ओनली, इसको मेल्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकते अपने फेस पे या बियर्ड वगैरह के पर्पज़ पे. इसको जो है सिर्फ फीमेल यूज़ करें ऑन फेस. इसके अंदर जो है सिल्क प्रोटीन है एंड आप देख सकते हैं ये इसके अंदर इवनिंग प्राइमरोस ऑयल है. हेयर मिनिमाइजिंग कम्प्लेक्स है. इसका मतलब है कि आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपके बालों को जो है ये मिनिमाइज भी कर देगा, यानी कि बाल आपके जो हैं वो देर से आएंगे. इसका देख लेंगे, पाकिस्तान में न्यूली लॉन्च हुई है और लिमिटेड एडिशन है. मेड इन ये स्पेन है जी, मेड इन स्पेन है. इसके अंदर जो है 10 स्ट्रिप्स हैं और एक स्ट्रिप का जो है 2 पार्ट है. इसके अलावा इसके अंदर 4 वाइप्स जो है मौजूद हैं और लीफलेट है और ये डिफरेंट जो है वो लैंग्वेज में अवेलेबल है. सो हम आगे चलते हैं. ये इसके स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, और ये इसके वाइप्स हैं. इसके अलावा आपने इसको यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको जो है बता देती हूँ. इसका वैसे जो है ये लिफलेट पे जो है अपर मेथड जो है ये अवेलेबल है. आप यहाँ से भी रीड करके जो है पढ़ सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ. ये आपकी जो है स्ट्रिप है, इसको जस्ट आपने फेस पे यूज़ करना है. ये सिर्फ फेस के लिए है, यानी कि आप इसको बॉडी के किसी भी हिस्से पे यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ ये फेस के लिए है. सो जब आपने यूज़ करना है इसको 20 सेकेंड के लिए, आपने अपने दोनों हैंड में इसको अच्छी तरह रब करना है ताकि हमारी हैंड की हीट से जो है ये वार्म हो जाए. जब ये वार्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपने इसके दोनों ऐसे करके जो स्ट्रिप्स हैं इनको अलग कर देना है. तो जब आप अलग करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है. अभी मैंने इसको वार्म नहीं किया, लेकिन आप इसको अगर आपको फील हो रहा है कि ये एक साथ चिपका हुआ है और उतरने में प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप इसको जो है वार्म कर सकते हैं. उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने इसको ट्राई करके जो है मैं आपके साथ जो है बता रही हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी ट्राई किया है अपने फेस पे, बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसका रिजल्ट आया है. आपने बालों की डायरेक्शन का ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना है, और जब आप इसको लगाएंगे और इसको जब आप बिल्कुल रिमूव करेंगे तो आपको बिल्कुल भी जो है पेन नहीं होगी. इनकेस अगर लिटिल बिट आपको रेडनेस हो रही है तो आपने परेशान नहीं होना, वो नॉर्मल होगी. जब आप इसको स्किन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे करके आप इसको स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं एंड सिंपली आप इसको उतार दें. उतारने के बाद आपके हैंड पे जो है वैक्स जो है वो लग जाएगी. जब आपके हैंड पे वैक्स लगेगी, आपने ये नहीं करना कि आप पानी से इसको वॉश कर रहे हैं या आप कोई और प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई लोशन ले रहे हैं या कोई कुछ और चीज़ जो है आप यूज़ कर रहे हैं इसको उतारने के लिए. यहाँ इसके अंदर ही जो है इन्होंने हमें वाइप जो है वो दिया है. वो वाइप आप ऐसा करें कि वो वाइप तो थोड़ा सा लेंथी है, आप ऐसा करें कि आप उसको सीजर से काट के उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग. सो ये है मेरे पास सिल्क रिमूविंग हेयर ब्यूटी सॉरी सिल्क ब्यूटी स्मूथ स्किन स्मूथिंग फिनिशिंग वाइप है. ये भी है मिनिमाइजिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी कि आप ये कह लें कि आप जब इसको यूज़ करेंगे ना, आपका जो हेयर है वो काफ़ी अर्से बाद जो आएंगे. मैंने इनको अभी यूज़ किया, अभी मैं नहीं बता सकती कि कितनी देर बाद आएंगे. सो जब मुझे फील होगा कि मेरे हेयर आ रहे हैं, देन मैं आपके साथ जो है इसका प्रॉपर रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी. अभी मैंने जस्ट आपको यूज़ करने का जो है वो मेथड बताया है. सो उम्मीद करती हूँ मेरी ये